नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने वेयर हाउस में रखी ईवीएम की निगरानी शुरू कर दी है। उन्होंने सेंट्रल वेयर हाउस के सामने अपना टेंट लगाकर डेरा डाल दिया है। कार्यकर्ता दिन रात वेयर हाउस में रखी ईवीएम मशीन की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने टेंट पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है, जिसमें आने जाने वाहन पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि सपा कार्यकर्ता असलम अलवी ने बताया है कि वह वेयर हाउस पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि 2017 में पूरे प्रदेश में इन्होंने धांधलीबाजी करके बीजेपी सरकार बनाई थी, इसलिए हम ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए बैठे हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पूर्व बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, जब तक चुनाव की मतगणना नहीं होगी 10 मार्च तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। ये शासन प्रशासन कुछ भी करवा सकते हैं। असलम अलवी ने बताया है कि प्रशासन हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर अपने विश्वास और निगरानी के लिए लगाया गया है। जो भी यहाँ आता जाता है, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। सातों विधानसभा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम विधानसभा बेहट से आए हैं और सबकी सहमति से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उमर अली बेहट विधानसभा विधायक बनने जा रहे हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए तावेस कुरेशी की रिपोर्ट। इस्लाम अलवी वेयर हाउस पे इसलिए बैठे हैं, 2017 में पूरे प्रदेश में इन्होंने धांधलीबाजी करके सरकार बनाई थी बीजेपी सरकार ने, इसीलिए हम लोग निगरानी के लिए अपनी ईवीएम मशीनों के लिए कोई हमारे साथ कोई धोखा ना हो जा, क्योंकि जय उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है और जनता बदलाव चाह रही है प्रदेश की जनता, और इंशाल्लाह होगा भी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर निगरानी के लिए बैठे हैं। जब तक चुनाव जो है वो मतगणना नहीं होगी 10 मार्च तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। क्या लगता है आपको, ईवीएम मशीन उठा के ले जाएंगे या घोटाला हो जाएगा, प्रशासन भी बैठा नहीं, इन्होंने करा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इन्होंने पीछे करा है, ये कुछ भी करवा सकते हैं शासन वाले। प्रशासन वैसे हमारे साथ बिल्कुल सही ठीक जो है अच्छा बर्ताव कर रहा है प्रशासन, क्या ईमानदार के साथ तो जाए, वो तो चुनाव तो होया बढ़िया, लेकिन तो कोई घोटाला यहाँ पर ना हो जाए। सीसीटीवी आपने लगा रखा है, बोले तीसरी आंख, तो इसका क्या फायदा है, क्यों लगा रखा है? इसलिए लगा रखा अपने विश्वास के लिए, निगरानी के लिए, कि जो भी यहाँ इसमें अंदर कोई वाहन जाएगा वो सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी कुछ होगा इसमें, जो भी गतिविधियाँ इसमें हो रही हैं सब रिकॉर्ड है इसके अंदर, 24 घंटे चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है अपना, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, सातों विधानसभा के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम विधानसभा बैठते हैं। उमर अली खान इंशाल्लाह हमारे जय विधायक बनने जा रहे हैं और सबकी सहमति से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरा नाम गुलजार अहमद। गुलजार अजी, कौन सी पार्टी से आप लोग? जी मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। आज आपको यहाँ क्यों वेयर हाउस के आगे क्यों बैठे हैं, क्या कारण? वेयर हाउस के आगे बैठने का कारण ये बना है, 14 फरवरी को चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, हमारी सीट नंबर 1 बेहट विधानसभा, हमारे प्रत्याशी उमर अली खान साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। हमारा यहाँ बैठने का कारण ये बना है, 2017 का जो चुनाव हुआ वो जनता को सबको पता है कि कैसे सरकार बनी। अब 2022 में हमें सरकार का डेवलपमेंट करने के लिए हमारे नेता उमर अली खान साहब ने हमें आदेश दिया, हम वेयर हाउस के सामने बैठे हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, जो ईवीएम मशीन ने रखी है, हम इनकी निगरानी के लिए बैठे हैं। हम जीत की तरफ हैं और इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह हम यहाँ से जीत के उठेंगे। हमारी जीत हो रही है बेहट नंबर 1 से, और हमारी सातों विधानसभा के प्रत्याशी आसू मलिक, उमर अली खान साहब, कार्तिक राणा और धर्म सिंह सैनी जी, सभी लोग हम यहाँ से इकट्ठे हो गए, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जीत की तरफ हैं और जीत के उठेंगे 10 मार्च को रिजल्ट फाइनल होने के बाद। जनता को बताया अगर प्रशासन पे भरोसा होता तो हम यहाँ लोग क्यों बैठते? हम तो अपने लिए बैठे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं हम अपनी मशीनों की। कब से बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? हम 14 फरवरी को रात को 11:20 में यहाँ गए थे, जब हमारा परिणाम घोषित हो जाएगा, हमारे नेता उमर अली खान साहब जीत के अपना प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकलेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठने का काम करेंगे। सीसीटीवी
कैमरे क्यों लगाए, क्या कर रहे हैं? हमने अपनी निगरानी के, हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए हैं, अपनी सुविधा के व्यवस्था के लिए लगाए हैं। हमारे नेताजी का आदेश था, उमर अली खान का, कि आप ऐसे ऐसे बैठो, हम ऐसे ही बैठे, और उनके पालन का आदेश करेंगे हम। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।